subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। एट्थ क्लास इंग्लिश द लिटिल रिवर इंग्लिश वर्कशॉप एंड एक्टिविटीज़ एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ये आज एक्टिविटीज़ करने वाले हैं हम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर वन है, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है। क्वेश्चन नंबर वन का, ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द वाटर ऑफ द रिवर वॉज, द वाटर ऑफ द रिवर वॉज नी डीप इन समर। तो ये नी डीप इन समर, इसे अंडरलाइन कीजिए। इन द कूल शेड्स ऑफ ग्रू लिव द विलेज प्रीस्ट, ये विलेज प्रीस्ट को आपने अंडरलाइन करना है। ऑन द अदर शोर काश फील्ड्स ब्लॉसम्स, ये काश फील्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है। द बैंक्स आर नॉट सो स्टीप, द बैंक्स को आपने अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर वन ए टू एक्टिविटी है, हाउ डू वी नो डैट द रिवर इज़ जस्ट नी डीप, हम कैसे जान सकते हैं कि जो नदी है वो सिर्फ घुटनों तक के गहरी है। द काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस द रिवर विथ ईज, यानी गाय और बैलगाड़ियाँ बड़ी आसानी से नदी को पार कर रही है। दे कैन मूव एंड वॉक ओनली इन शैलो वाटर, चूँकि ये उथले पानी में ही गाय और बैलगाड़ियाँ आसानी से सफ़र कर सकती है, आसानी से गुजर सकती है। दिस शोज डैट द रिवर इज़ जस्ट नी डीप, और इससे मालूम होता है कि जो नदी है वो सिर्फ घुटनों तक ही गहरी है। वट डज़ वन सी अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर, ये नदी के किनारे कोई शख्स क्या देख सकता है, इसका आंसर है क्या देख सकता है, वन कैन सी द सैंड्स शाइनिंग ब्राइटली ऑन द बैंक्स, एक आदमी देख सकता है कि जो रेत है वो चमक रही है नदी के किनारे। काश फील्ड्स आर ब्लॉसम विथ वाइट फ्लावर्स, ये जंगली सफ़ेद फूलों के जो मैदान है वो दमक रहे हैं। माइनाज आर चिरपिंग देयर एंड द जैकल्स आर होलिंग एट नाइट, और मैना जो है वहाँ पर चहचहा रही है और जैकल जो है भेड़िए है वो क्या कर रहे हैं, रात को आवाज़ निकाल रहे हैं। There are groves of mango and palm on the banks, और नदी के किनारे, banks ये कि नदी के किनारे को कहते bank of the river, तो there are groves of mango and palm of the on the banks, यानी ताड़ के झाड़ और आम के दरख्त जो है ये नदी के किनारे है और उनके साए वहाँ पर आ रहे हैं। The village priests live there in the cool shades of the groves, और जो गाँव के पुजारी है वो इन ठंडी छाँव में आराम करते हैं आम के और ताड़ के दरख्तों की। गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ द विलेज आर सीन बाथिंग एंड स्प्लैशिंग वाटर क्लोज टू द बैंक, लड़के और लड़कियाँ ये गांव की जो होते हैं वो वहाँ पर नहाते और पानी उड़ाते हुए नदी के किनारे नज़र आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन का A3 नंबर एक्टिविटी है, वोकैबुलरी फोकस। राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्राम द पैसेज, ये पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स लिखना है। नी डीप डैश स्टीप, डीप स्टीप, ब्राइट वाइट साइट नाइट, ये भी राइमिंग वर्ड्स है। ब्राइट वाइट साइट नाइट, शेड वेड, ये भी क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। यहाँ नंबरिंग दुरुस्त कर लीजिए, ये दूसरे के बजाय नौवा आ गया है। क्वेश्चन नंबर वन का A3 नंबर एक्टिविटी है, डिस्क्राइबिंग साउंड्स फ्राम द पोएम, यानी माइना की साउंड्स कैसी है और जैकल्स की साउंड कैसी है वो लिखना है। चिरपिंग ऑफ माइना, माइना क्या कर रही है, चिरपिंग कर रही है। और होल्स ऑफ जैकल, जैकल क्या कर रहा है, होल यानी रात को जो आवाज़ लगाता है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है भेड़िया, से होल कहते हैं। पिक आउट वर्ड्स डैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर, यानी रिवर वाटर के फ्लो को बयान करने वाले लफ्ज़ लिखिए। अब ये फ्लो हो गया, इसे फ्लो कर लीजिए। मियंडर्स, मियंडर्स यानी ये रास्ता बनाते हुए चलना, बहना। क्वेश्चन नंबर वन A3 नंबर का एक्टिविटी है, एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। एंड काउज एंड कैट्स कैन क्रॉस विथ ईज, ये CCC, काउज एंड कैट्स कैन क्रॉस, ये इस तरीके से है तो ये एक ही जैसे सूती अल्फाज आ रहे हैं और आवाज़ सी की निकल रही है, ये एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है। नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड्स शाइन ब्राइट,
साइन ऑफ स्लाइम द सैंड साइन ब्राइट, तो यहाँ पर एस की आवाज़ निकल रही है। गर्ल्स एंड बॉयज़ बाथ क्लोज टू द बैंक, बॉयज़ बाथ क्लोज टू द बैंक, ये भी क्या है, सूती अल्फाज है और बी की आवाज़ निकल रही है। क्वेश्चन नंबर टू, ए वन नंबर का एक्टिविटी है। नेम द फॉलोइंग टू सीजन्स वर रिटन इन द पोएम, कौन कौन से है, समर एंड रेनी सीजन। दूसरा, टू नॉन इंग्लिश वर्ड्स आषाढ़ एंड गमछा, टू डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे डस्क एंड डॉन, यानी दिन के दो अलग अलग औकात। कंप्लीट फैक्चुअल एक्टिविटी, अब इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके आंसर लिखना है। व्हेन डू वुमन रिटर्न टू देयर हाउस होल्ड वर्क, ख़वातीन अपने घरेलू काम के लिए कब लौटती है। द वुमन रिटर्न टू डू देयर हाउस होल्ड वर्क आफ्टर स्क्रबिंग देयर डिशेज विथ रिवर सैंड एंड वॉशिंग देम क्लीन विथ रिवर वाटर, यानी औरतें अपने घर के काम ख़त्म करने के बाद और जो बर्तन है डिशेज है उसे रेत से घिस कर धोने के बाद पानी से साफ करने के बाद लौटती है। हाउ डज़ द रिवर चेंज इन आषाढ़, यानी आषाढ़ के महीने में जो नदी है वो कैसे बदल जाती है। इन आषाढ़ ब्लैक क्लाउड्स ऑफ रेन गैदर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हेवीली, आषाढ़ के महीने में काले बादल जमा हो जाते हैं और ज़ोरदार बारिश होती है। वाटर्स इन द रिवर राइज, यानी नदी का पानी बढ़ जाता है। द रिवर इज़ फ्लडेड, यानी नदी में सैलाब आ जाता है। एंड द रिवर्स करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल, और नदी का करंट यानी बहाव, नदी का बहाव तेज़ और ताकतवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर टू का A3 है, वर्ड्स डिस्क्राइबिंग फ्लो ऑफ रिवर, जो नदी के बहाव के बारे में बयान करते हैं, इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है। ये स्ट्रॉन्ग करंट यानी तेज़ बहाव, इंस्पेट ये ऊपर नीचे हो गया है, इन स्पेट उसके बाद है स्ट्रॉन्ग करंट, उसके बाद है मट्टी टॉरेंट, तो इसे आप दुरुस्त कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू का A3 नंबर एक्टिविटी है, एग्जाम्पल्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच ऑनोमेटोपोया, इसका आंसर है द एयर इज़ राइफल विथ बैबलिंग साउंड्स। अब ये जिसमें किसी चीज़ की आवाज़ों को इस्तेमाल किया जाता है या उसका बयान होता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच है ऑनोमेटोपोया। एज द मड्डी टॉरेंट स्विल्स अलॉन्ग, दिस बैबलिंग और स्विल्स ये दोनों भी क्या है, ये बताते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमेटोपोया है। क्वेश्चन नंबर टू का A4 नंबर का एक्टिविटी है, एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब बाय द फ्रेजेस, यानी फ्रेजेस के जरिए जो एस्पेक्ट्स बयान किए जा रहे हैं उसको बयान किया गया है। हाउस वर्क ऑन द रिवर बैंक, तो रिवर बैंक पे क्या काम हो रहा है, हाउस होल्ड वर्क ऑफ वाइव्स यानी ख़वातीन का काम हो रहा है। इंस्पेक्ट रिवर्स फ्लड को कहते हैं, और राइफ विथ साउंड्स ये क्या है, ये द एयर यानी हवा की जो आवाज़ें हैं, बादलों के चलने की आवाज़ें उसे कहते हैं। ये A4 नंबर का दूसरा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एलिट्रेशन। अब इसमें क्या है, एट द डस्क एंड डॉन वंस देयर बाथ इज़ डन, ये डस्क और डॉन ये बता रहा है, ये एग्जाम्पल कौन सी है, फिगर ऑफ स्पीच की है एलिट्रेशन की। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द लिटिल रिवर। दूसरा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट, द नेम ऑफ द पोएट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। इसका थर्ड है, द पोएम हैज़ 5 स्टैंजास, ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स बट द लास्ट स्टैंजा हैज़ 6 लाइन्स। द पोएम डिस्क्राइब्स द रिवर इन समर एंड रेनी सीजन, फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम आर एलिट्रेशन एंड ऑनोमेटोपोया। फेवरेट लाइन, माई फेवरेट लाइन इन द पोएम आर द वुड्स ऑन शोर स्टिल टू लाइफ अगेन एंड आर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।